ये ज़मीन हमने 5 साल पहले हमने ये ज़मीन परचेस की थी। यहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 था। यहाँ पे सिर्फ पूरे खेत में 2 ही पेड़ थे। यहाँ का जल स्तर बहुत नीचे था। इस तरह से कई चैलेंजों के साथ हमने यहाँ के यहाँ जंगली जानवरों की बहुत तकलीफ थी, तो ये सारे तकलीफों के बीच में हमने इस ज़मीन को खरीदी किया। तो मैं जानता था कि आज हमारे एग्रीकल्चर के सामने 3 चैलेंज बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है सॉइल फर्टिलिटी का, तो यहाँ सॉइल फर्टिलिटी का चैलेंज था। दूसरा पानी का चैलेंज, और तीसरा इकोलॉजिकल बैलेंस का चैलेंज। तो ये तीनों चैलेंज को हमने, सॉइल फर्टिलिटी तभी बढ़ेगी कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र का और जहर का इस्तेमाल कम करेंगे, तो साइकिलें बनेगी, वो साइकिल से पानी भी बनेगा और सॉइल फर्टिलिटी भी बनेगी और इकोलॉजी भी बनेगी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के पहला तो हमने किया कि इसमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद, क्योंकि ये मेरे पहले काफ़ी जूने अनुभव थे। 94 से मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, 75 से 94 तक मैंने केमिकल फार्मिंग की, 94 से आज तक मैं पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, कुदरती खेती कर रहा हूँ। तो ये कुदरती खेती करते समय ये तो मुझे समझ बन गई कि हमारे सामने चैलेंज क्या है। तो 3 चैलेंज ये पूरे देश में है आज। पहला है सॉइल फर्टिलिटी का, दूसरा है पानी का, और तीसरा है इकोलॉजी का। तो हम लोगों ने पहले ही वर्ष से यहाँ पे क्रॉप के थ्रू हमने सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने का जिम्मा, और गोबर की खाद, फिर वैल्यू एडेड फर्टिलाइज़र बनाने के तरीके, उनके तरीक़ों से हमने सॉइल फर्टिलिटी को ये 5 वर्ष में 1.8 तक हमारा ऑर्गेनिक कार्बन पहुंच गया है। जल स्तर, ये ज़मीन का भी हमारा जल स्तर भी बढ़ गया है। और हमने यहाँ पे 100 पेड़ लगाए हैं 17 एकड़ में, 100 पेड़ लगाए हैं, और अभी करीब 150 पेड़ और लगाने का प्लानिंग है। तो हम लोगों की मान्यता ये होगी कि पेड़ों के वजह से पैदावार बढ़ती है। हमने इसका पूरी तरह से अभ्यास करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि पेड़ों के बिना हम अपने उपज को बढ़ाएंगे नहीं। पानी को हम रोकने की प्रणालियाँ बनाए बिना हम पानी को भी बढ़ा नहीं सकते। तो हम लोगों ने यहाँ पे विभिन्न तरीक़ों से पानी को रोकने के तरीके बनाए। सॉइल फर्टिलिटी को विभिन्न तरीक़ों से हमने सॉइल फर्टिलिटी को बनाया। पेड़ों के थ्रू हम पूरी इकोलॉजी को हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से ये तीनों बातें 5 वर्ष में हमने इतनी डेवलप कर दी कि ये हज़ारों साल के लिए सस्टेनेबल हो गया ये फॉर्म। यहाँ पे पैदावार घटेगी नहीं, निरंतर हमारी पैदावार, प्रतिवर्ष यहाँ की पैदावार बढ़ रही है। और ये सब नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करने के वजह से लाभ ये हो रहा है कि एक पूरी साइकिल बन गई है। वो साइकिल के तहत हमें किसी भी प्रकार का कीट नियंत्रण नहीं करना पड़ता। हम 2007 से हमने दवा मारनी बंद कर दी थी। यहाँ भी किसी प्रकार का दवा का इस्तेमाल नहीं होता इस पूरे फॉर्म में, लेकिन वो इसलिए बंद किया कि नेचर में एक साइकिल है। वो साइकिल अगर हम पनपने देते हैं तो फिर हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ती है और पैदावार भी हमें अच्छी मिलती है। तो उसके माध्यम से हम लोगों ने ये चैलेंजों को एक स्वीकार के रूप में किया। ये फॉर्म लेते समय हम लोगों ने पहला प्रारंभिक एक काम किया कि खेत में अगर अपने घर हो, खेत में अपने काम करने वालों के घर हो, तो अपनी पैदावार को 2 गुनी बढ़ाई जा सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर खेत में हमारे यहाँ रहने वालों के लिए घर बनाए। जितने भी काम करने वाले बहन भाई है उन लोगों के लिए घर बनाए। वो लोग अभी खेत में ही रहते हैं। दूसरा, खेती इरीगेटेड हुए बिना हम अच्छी उन्नत खेती नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे कुआं खोदने का भी काम किया। हम लोगों ने खेत में कुएं में पानी अच्छा रहना चाहिए इसलिए, कुएं में पानी अच्छा रहना चाहिए इसलिए 80 फीट ट्रेंचिंग सिस्टम बनाया कि खेत का पानी वो ट्रेंच पूरा कंट्रोल करे और वो ट्रेंचों में खेत का पानी रुके। तो खेत में पानी रोकने के लिए हम लोगों ने विभिन्न ग्रिड लॉकिंग, माइक्रो लॉकिंग, कंट्रोल फार्मिंग, साथ में ग्रिड लॉकिंग के साथ में 80 फीट ट्रेंचिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम डेवलप किए। इस तरह से हम लोगों ने प्रारंभिक ये सब खर्च किए, आदमियों के लिए घर बनाए। फिर एक हम यहाँ कंटिन्यू हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, खेत में किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। तो एक सिंपल ही, बहुत सिंपल, 50 लोगों को हम प्रति सप्ताह में 3 बार यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो उनके लिए एक ट्रेनिंग का हॉल बनाया जो बहुत सिंपल है, बहुत लो कॉस्ट है, ऐसा वो बनाया। तो एक कुआं खोदा, वहाँ पर बिजली ली, हम लोगों ने एक ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग हॉल बनाया। इस तरह से यहाँ पे ये धीरे धीरे ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़े किए हैं।